मेवात में केथली बेर सबको अपनी मिठास मुलायम व चायकेदार होने की वजह से लुभा रहा है। देखने में भले ही केथली बेर हरे रंग का हो, लेकिन इसकी मिठास चीनी से कम नहीं है। एक बार जो इस बेर को खा लेता है, वह बार बार इसी बेर की डिमांड करता है। पिछले करीब 27-28 सालों से पेनगवा के बाग में केथली बेर लगभग 4.5 एकड़ में लगाया हुआ है। वैसे तो राजकीय बाग एवं नर्सरी में 10 एकड़ का बेर बाग है, लेकिन गोला बेर व केथली हमेशा भारी यहां पर पड़ता है। इस वर्ष बेर बाग से बागवानी विभाग को अच्छा खासा राजस्व प्राप्त होगा, यही उम्मीद की जा रही है। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर दीन मोहम्मद ने बताया कि बेर की दूर दराज तक डिमांड है। केथल के बाग में यह वैरायटी है, उसी की वजह से इसका नाम केथली बेर पड़ा है। डॉक्टर तीन मोहम्मद का कहना है कि अन्य वैरायटी के पेड़ से केतली की वैरायटी 20% अधिक महंगे भाव पर बिकती है और इसकी खरीदारों की संख्या अच्छी खासी है। ग्राहकों को इस वैरायटी के पेड़ का बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है। यह बाकी देर किस्मों के मुकाबले देर से पकता है और लेकिन हरा रंग होने के बावजूद भी मिठास में इसका कोई मुकाबला नहीं है। आप देखें नुहमिवास से लियाकत एक रिपोर्ट। हाँ, हमारा जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसमें 10 एकड़ के करीब बेर है, 10.5 एकड़ में, और उसमें से एक वैरायटी उमरान है, दूसरी केथली। केथली वैरायटी हमारी लोकल कैथल डिस्ट्रिक्ट से इसका वो हुआ है, वो जन्म हुआ, उत्थान हुआ, वहीं से ये इवोल्व होके आई है वैरायटी। और इसकी ये खासियत है कि ये लेट पकती है, लेकिन इसके अंदर मिठास बहुत ज़्यादा होती है, TSS बहुत ज़्यादा होती है। तकरीबन बेरों में जो है सिट्रिक एसिड ज़्यादा होता है, इसमें सिट्रिक एसिड कम होता है। इस वजह से इसे लोग लोकल छुआरा या लोकल खजूर भी कहते हैं। कितने रुपए किलो आम बेर के मुकाबले इसका भाव है और विभाग को क्या इसका लाभ? विभाग तो एक मुश्त जो है ठेका देता है ठेकेदार को, वो अपने लोकल रिटेल में मार्केटिंग नहीं करता विभाग, पर बाकी बेरों के मुकाबले ये कम से कम 20-25% महंगी बिकती है। क्या नाम है जी आपका? आशा। तो यहाँ पे बाग है एक बेरों का, किस तरह से रोजगार आप लोगों का चलता है, कब ये बाग यहाँ पे बेर चालू हो जाते हैं, क्या कहना है? बेर 2-2.5 महीना चलता है भाई, और हमारा रोजगार लेकर आवे अपने 250 रुपया मजदूरी है, हमारे बाल बच्चे ने गुजार है जार। तो कब बेर शुरू हो जाते हैं, कब आपके जो यहाँ पे काम करना चालू कर देते? दूसरा महीना लग रहा। अच्छा, गुजारा हो गया। अब गुजारा तो ना हो बेटा, पर कहा कर मजबूरी में करना पड़े, अपने टाइम पास है जावे अपने, और कहा बच्चे इनको गुजारो, नहीं 250 रुपया में कोई गुजारो है रहेगा? एक तो यहाँ में वही ना है बेर ही ना, अब कहते हैं हम कतई भी ना, बीच में तो सारे बेर ही ना रहे हमें, ये और पास है यहाँ पर ये बेर। तो बात की जाए बेर हैं, देखने में हरा है, तो किस तरह से स्वादिष्ट है ये, क्या खास खासियत क्या है इसकी? है मीठे बेर हैं, जो यही की बेर की हुआ फरमाई सब रहा, कहीं चलो जाओ या बेर की ज्यादा मांग। क्या खासियत है इसकी जो डिमांड है, मीठे हैं? मीठे ज्यादा भाई है, तो ये खूब मीठे हैं, बढ़िया अंगूर अंगूर भी फेर वैसे हरापन है इनकी, रिंगे ही हरे ही लाल तो है कहे तो खराब है जहाँ ये, वैसे खूब बढ़िया भी है ये। क्या नाम है जी आपका? मछला नाम है जी मेरा। कहाँ से हैं? पापड़े से आते हैं जी हम। अच्छा। बेर तोड़ने के लिए। किस तरह से रोजगार चलता है यहाँ पे? ऐसे ही रोजगार चलता है जी, 2-2.5 महीने चल जावे, बच्चे इनका अच्छा पालन हो जावे, साग सब्जी का काम चल जाता है। बेरों की हम बात करें तो किस तरह के बेर हैं, क्या खासियत है इनकी? इनकी खासियत ये जी, देखने में तो ये हरे बेर, और उसके बाद में ये खाओगे तो इतना मीठा है कि चीनी की जैसे, सेब से भी अच्छा मीठा है ये बेर। इसकी दूर दूर तक डिमांड है जी, ये हमारे यहाँ ही मिलता है, कहीं मिलता भी नहीं है। क्या खासियत होती है इसकी? बस खासियत ये कि पानी हो जाता है उसमें रस भर जाता है, जब पानी नहीं होता उसमें रस ही नहीं भरता, सूखा हो जाता है बेर, ये परेशानी है।
तो किस तरह से कितने खेती आप इस बार जो की आप लोगों ने? या बोला था 10 किलो के, पर बेर हम 3 किलो में बनाओ पूरा। कितने एकड़ में लिया था ये? ये मतलब जी मतलब है तो 10 एकड़ में ही हो, अपर बेर तो हम 3 सवा 3 किलो में ही है, बेर है जो हम 3 सवा 3 किलो के अंदर ही।